आप टेक्नोटेक जीपीएस का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कैसा भी जीपीएस है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके उसको चालू करा सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल भी कर सकते हैं। कैसा भी जीपीएस हो आप उसको ऑनलाइन मैप के ऊपर चलता हुआ देख सकते हैं। फिर हेलो दोस्तों, आज हम टाटा के ट्रक में जीपीएस लगाने वाले हैं, इंजन ऑन ऑफ वाला। आप चाहें हमारी वायरिंग देख के इसमें विदाउट इंजन ऑन ऑफ का जीपीएस भी लगा सकते हैं। ये टाटा का आपका ट्रक है, देख लीजिए। सबसे पहले हम इसके चार नट खोलेंगे, इसको बाहर कर लेंगे, ये लेफ्ट साइड से बाहर आ जाएगा, या कैसे ही बाहर कर सकते हैं आपकी इच्छा है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो है चाबी के नीचे वायर होती है, चार वायर मोटी मोटी होंगी, पहचान है ये चार वायर मैंने देख लिया था। तो हमें इसको क्या है खोलने की, हमें इसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारी वायर है, हमें इसके पीछे से दिख गई। ये देख लीजिए चार वायर है, ये अंदर गई हुई है, तो ये चार वायर है हमारी, ये देख लीजिए ये वाली तीन वायर है, ठीक है, और एक ये वायर इसके साथ में गई हुई है येल्लो कलर की, ये मोटी सी वायर है, और ये तीन मोटी वायर है, एक इसमें सेल्फ की है, एक आपका डैशबोर्ड की है जिसे सारा करंट चला जाता है गाड़ी का, हम डैशबोर्ड वाली वायर काटेंगे। हम इसका पहले ये खोल लेते हैं, हम थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा हमारा इसको खोलने से। ये देख लीजिए वायर काफी ऊपर आ गई है, अब हम इजीली इसमें काम कर सकते हैं। अब हम इसमें चेक करेंगे किसमें हमारा डायरेक्ट आ रहा है और कौन सी वायर कटेगी, कौन सी एसीसी है। वैसे जो कटती है वही एसीसी भी होती है। अगर हमें सिंपल जीपीएस लगाना है तो हमें जो वायर हम कट करेंगे अभी वो हमें काटनी नहीं है, उसको काटना नहीं है, हमें डायरेक्ट उसमें अपना एसीसी ज्वाइंट कर देना है। ये देख लीजिए इसका बॉडी अर्थ हम यहाँ पे दे लेंगे, अच्छा आता है यहाँ पे बॉडी अर्थ। इसमें एक मोटा सा वायर होता है सबसे मोटा, ये देख लीजिए ये रेड कलर का वायर है आपका, सबसे मोटा वायर है, इस एक साइड येल्लो होगा इसके, हम देख लीजिए इसमें लगा लेते हैं, इसमें ही आता है ज्यादा ट्रकों में, देख लीजिए 24 वोल्ट का ट्रक है, डबल बैटरी है, तो इसमें 24 वोल्ट की रिले लगेगी। ये देख लीजिए हमारा डायरेक्ट करंट आ रहा है इसमें, और हमारी इस टाइम गाड़ी बंद है। ये रही हमारी चाबी हमने साइड कर दी, ये बॉडी अर्थ कंफर्म कर लेते हैं, ये देख लीजिए 24 वोल्ट है, मीटर में देख लीजिए, ठीक है। अब हमारा बाकी किसी वायर में करंट नहीं आ रहा होगा, इसमें भी नहीं आ रहा, बाकी किसी में नहीं आ रहा। अब क्या है चाबी ऑन होने पर सब में करंट जाता है, लेकिन हमें डैशबोर्ड की लाइट देखनी है किसमें जलती है हमारी वायर में। तो हम एक इस तरीके से झंपड़ ले लेंगे और एक सिरा हम अपना डायरेक्ट जो है आपका ये है, एक सिरा इसमें लगा देंगे, और बाकी एक सिरा हम देख लीजिए इसमें लगाएंगे ब्लैक वाली में, देखिए सेल्फ की है, इसने सेल्फ लिया इसमें, और इसमें आपका कुछ नहीं हो रहा है, ये होगी किसी चीज की वायर। अब रह गई एक ही वायर, ये रेड वाली देख लीजिए, रेड वाली में आपका मीटर की लाइट ऑन हो गई है, मीटर चल गया है हमारा। हमने क्या करा, हमने एक जम्पर लिया है और ये देख लीजिए यही वायर हमारी कट भी होगी। इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सी वायर कट होगी, हमें पता चल चुका है, और यही वायर हमारी एसीसी की भी है। अगर हम डायरेक्ट मान लीजिए हम इंजन ऑन वाला जीपीएस नहीं लगा रहे हैं तो हम जो है आपका एसीसी का वायर इसमें लगा देंगे, ये रेड कलर का वायर है, ये देख लीजिए मोटे मोटे तार गए, इन्हीं में एक रेड कलर का है, इन्हीं में एक वायर सबसे मोटा है वो डायरेक्ट होता है। तो ये लगभग मोस्टली ट्रक में कनेक्शन सेम ही होते हैं, वैसे सब में ही सेम होते हैं, गाड़ी में भी बाइक में भी ऐसे ही इस तरीके से कनेक्शन होते हैं। अब हम आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं कनेक्शन कैसे होते हैं। अब देखिए अब हमने ये क्या करा है, हमने जीपीएस की वायर ले ली है, ये जीपीएस की वायर है आपकी, सारे इंजन ऑन ऑफ में चार वायरें होती हैं, ब्लैक बॉडी अर्थ है, ये बॉडी में लगेगा,
और ये रिले के चार वायर है, ये ग्रीन है जो वायर कट होगी उसमें लगेगा, और येल्लो येल्लो में जाके टेप कर देंगे पहले ही हम, और रिले की रेड और जीपीएस का, और रिले की व्हाइट और जीपीएस का रेड एक साथ कर लेंगे। ये हमारे टेम्परेरी बेस पे, अभी हमारे दो ग्रीन तार हैं जो वायर कट होगी उसमें लगेंगे, ये हमारा डायरेक्ट पे चला जाएगा, येल्लो येल्लो में टाई हो चुका है और ये हमारा बॉडी अर्थ है। अब हम इसे वायर कट कर लेंगे जो हमने आपको बताई थी। ये देख लीजिए दोस्तों, ये वायर हमने कट किया था और हमने उसके बाद क्या है गाड़ी चालू की थी, तो गाड़ी सिर्फ सेल्फ ले रही थी, चालू नहीं रही थी, तो ये पहचान है इसकी, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। और अब देख लीजिए मैंने ये कनेक्शन कर दिए, ये वायर कट करके मैंने एक रिले का एक हरा इस साइड लगा दिया है, एक हरा इस साइड लगा दिया है। एसीसी इसमें लगनी चाहिए थी, एसीसी आपकी इसी में लगनी चाहिए थी, तो मैंने हरे में लगा दिया, यहाँ पे ना लगा के मैंने हरे में ही टच कर दिया एसीसी। अगर आप सिंपल जीपीएस लगा रहे हैं विदाउट इंजन ऑन ऑफ, तो हमें हरे रिले नहीं लगानी है, ऑरेंज हमें विगर वायर कट करे, विगर वायर कट करे इसी में लगा देना है। ये देख लीजिए, और हमारा जो डायरेक्ट था वो ये मोटी सी एक वायर है आपकी, इसमें व्हाइट और रिले का व्हाइट और जीपीएस का रेड डायरेक्ट हमारा इसमें चला गया है, ये हमने इसमें कर दिया है। और बॉडी अर्थ हमने टेम्परेरी इसमें दे दिया है, अभी हम अंदर कहीं बॉडी अर्थ लगा देंगे अच्छी से नट में देख के, अभी टेम्परेरी हमने आपको दिखाने के लिए इसमें दे दिया है। सारे कंप्लीट हो चुके हैं, बॉडी अर्थ ये लग चुका है जीपीएस का, रेड और रिले का व्हाइट हमारा डायरेक्ट में जा चुका है, ऑरेंज हमारा एसीसी में जा चुका है, येल्लो येल्लो में लग के टाई हो चुका है ऑलरेडी। तो अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, अब इसको इस कनेक्शन हमारे ठीक है या नहीं है, इनको चेक करने का एक तरीका हो रहा है हमारे पास, वो मैं आपको बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, हम आपकी गाड़ी चालू करेंगे, चाबी लगी हुई है इसके अंदर, गाड़ी चालू करेंगे और क्लच दबा लेंगे, क्योंकि न्यूट्रल नहीं होते ट्रक गियर में खड़े होते हैं। ये चालू हो गया है और अब हम इसको ले लेंगे और पेचकस ले लेंगे, ये पेचकस है। अब हम जो है आपका येल्लो और ब्लैक, येल्लो सेंसर वायर और बॉडी अर्थ, इनको आपस में टच करेंगे। ट्रक बंद हो गया, हमारे कनेक्शन बिल्कुल ठीक है, ये देख लीजिए ट्रक बंद हो गया, देख लीजिए डैशबोर्ड की लाइट चली गई, देख लीजिए डैशबोर्ड लाइट बिल्कुल चली गई है, अब आ गई। अगर हम इसको टच करके रखेंगे तो अब हमारा जीपीएस, हमारा ट्रक सिर्फ सेल्फ लेगा, चालू नहीं होगा। अब हम, ये हमारी पहचान है, ये देख लीजिए एक बार और चेक करके चाहता हूँ, ये सेम ट्रक चालू है और ये आपका बंद हो गया, तो हमारे कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। अब हम टेप लगा देंगे और इसको पैक कर देंगे, और ये जीपीएस जो है आपका, ये जीपीएस है, और कोई भी जीपीएस हो इंजन ऑन ऑफ वाला, उसके कनेक्शन आपके इसी तरीके से होंगे। इसके अंदर हमारा सिम डला हुआ है, हमें सिर्फ इसको कनेक्ट करना है, ये कनेक्ट करके हम इसको अच्छे से अंदर टाई बेल्ट से छुपा देंगे, टेप लगा देंगे इसके ऊपर, और ये हमारा जीपीएस ऑनलाइन आ चुका है, 19 जीपीएस लॉगिन एप्लीकेशन है उसके ऊपर ये चल जाएगा इजीली। दोस्तों तो ये प्रोसीजर है आपका जीपीएस लगाने का ट्रक के अंदर, और यही वायरें आपकी चाबी के नीचे भी आती है, यहाँ पर चाबी के पास ये चार नट खुल के एक बाहर आ जाता है, तो वो ज्यादा इजी वे है, ये थोड़ा टफ वे है, आपको थोड़ा समझने में भी थोड़ा हो सकता है दिक्कत हुई हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इजी लग जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आपको किसी भी तरीके से आप जीपीएस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, और बहुत सारे गाड़ियों में, ज्यादातर गाड़ियों में हमने जीपीएस लगा के दिखाया हुआ है, तो आप किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीपीएस लगा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आप इस जीपीएस को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं कभी भी, और जीपीएस का अपना ऑर्डर डाल सकते हैं और आपको होम डिलीवरी हो जाएगी घर पे, और आप इस तरीके से देख के किसी भी गाड़ी में लगा सकते हैं।